आज मैं जिस चैप्टर को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ वो है लेटर टू ए टीचर, द स्कूल ऑफ बार्बियाना। लेटर टू ए टीचर असल में इटालियन भाषा में लिखा गया था। इसे बार्बियाना स्कूल के स्टूडेंट्स ने लिखा था। 1967 में इसको पब्लिश किया गया और बड़ी जल्दी ही इटली में ये बहुत ही मशहूर हो गया। इसे बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और 1917 में नोरा रॉसी और टॉम कोल के द्वारा इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। इटली के टस्कानी के पहाड़ी क्षेत्रों में एक छोटा सा गांव है करीब 20 घरों का, जिसका नाम है बार्बियाना। द स्कूल ऑफ बार्बियाना, जिसका पूरा नाम था सेंटा एंड्रिया डी बार्बियाना, लोरेंजो मिलानी नाम के एक पादरी, शिक्षक और पत्रकार द्वारा बनाया गया था। और इस स्कूल को बनाने का मकसद था उन गरीब बच्चों को पढ़ाना जिन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया था। जो लेटर हम पढ़ने जा रहे हैं उस लेटर को इसी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों ने लिखा है जो शायद इसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं हैं। इस लेटर में वो उन सब विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं, उनके दुखांत के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्हें स्कूलों से निकाला गया, उन्हें फेल कर दिया गया या उन्हें इतना डिस्करेज किया गया कि वो आगे पढ़े ही ना। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटा सा अंश है लेटर टू ए टीचर नाम की किताब का, जिसे पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि शायद किसी एक विद्यार्थी ने लिखा है, लेकिन असल में 8 विद्यार्थियों ने मिलकर इस किताब को लिखा है। लेटर टू ए टीचर में किसी भी टीचर का नाम लिए बगैर ये स्पष्ट समझा दिया गया है कि किस तरह टीचर एक खास वर्ग के विद्यार्थियों से व्यवहार करते थे, उन्हें ह्यूमिलिएट करते थे, उन्हें परेशान करते थे और इस हद तक परेशान करते थे कि वो पढ़ाई अपने आप छोड़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं लेटर टू अ टीचर। डियर मिस, यू वोंट रिमेंबर मी और माय नेम, यू हैव फेल्ड सो मैनी ऑफ अस। ऑन द अदर हैंड आई हैव ऑफन हैड थॉट्स अबाउट यू एंड द अदर टीचर्स and about that institution which you call school and about the boys that you fail. प्यारी अध्यापिका, आपको याद नहीं होगा मैं कौन हूँ या मेरा नाम क्या है। आपने मेरे जैसे कईयों को फेल किया है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे बिल्कुल याद है आपके बारे में और आपके जैसे और टीचर्स के बारे में और उस संस्था के बारे में जिसे आप स्कूल कहते हैं, और मुझे याद है वो लड़के भी जिन्हें आपने फेल किया है। यू फेल अस राइट आउट इन टू द फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज एंड देन यू फॉरगेट अस। व्हाइल गिविंग अ टेस्ट यू यूज टू वॉक अप एंड डाउन बिटवीन द रोज ऑफ डेस्क एंड सी मी इन ट्रबल एंड मेकिंग मिस्टेक्स बट यू नेवर सेड अ वर्ड। आपने हमें इस तरह फेल किया कि हम सीधे खेतों या फैक्ट्रियों में जाकर ही रुके और फिर आप हमें भूल गए। जब कोई इम्तिहान होता था तो आप कतारों में घूमा करते थे हमारे बीच। आप देख रहे होते थे कि मैं गलती कर रहा हूं, मैं मुश्किल में हूं, लेकिन आपने कभी एक शब्द नहीं कहा। आई हैव द सेम सिचुएशन एट होम, नो वन टू टर्न टू फॉर हेल्प फॉर माइल्स अराउंड, नो बुक्स, नो टेलीफोन। नाउ हियर आई एम इन स्कूल। I came from far away to be taught. Here, I don't have to deal with my mother, who promised to be quiet and then interrupted me 100 times. My sister's little boy is not here to ask me for help with his homework. Here, I have silence and good light and a desk all to myself. वक्ता आगे कहता है कि घर पे भी मेरी यही हालत थी। मीलों तक दूर दूर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, ना मेरे पास किताबें थी ना टेलीफोन, लेकिन अब मैं एक स्कूल में हूं। मैं बड़ी दूर से यहां पढ़ने आया हूं। यहां मुझे अपनी माँ का सामना नहीं करना पड़ता, जो वादा करती थी कि मैं चुप रहूंगी, लेकिन ये कह के भी मुझे वो 100 बार टोक देती थी। मेरी बहन का बेटा यहाँ नहीं है जो मुझे अपने होमवर्क के लिए मदद करने को बोले। यहाँ शांति है, अच्छी रोशनी है
और मेरे पास अपना डेस्क है। एंड एवर देयर अ फ्यू स्टेप्स अवे यू स्टैंड, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू आर पेड टू हेल्प मी, इंस्टेड यू वेस्ट योर टाइम कीपिंग मी अंडर गार्ड एज इफ आई वर अ थीफ। यू नो इवन लेस अबाउट मैन देन वी डू। द लिफ्ट सर्व्स एज अ गुड मशीन फॉर इग्नोरिंग द पीपल इन योर बिल्डिंग, द कार फॉर इग्नोरिंग पीपल हु ट्रेवल इन बसेस, द टेलीफोन फॉर अवॉइडिंग सीइंग पीपल्स फेसेस और एंटरिंग देयर होम्स। और वहाँ आप मुझसे कुछ कदमों की दूरी पर ही खड़े होते थे, आपको पता होता था कि मुझे क्या चाहिए, आपको इसी बात के लिए पे किया जाता था ताकि आप मेरी मदद करो। इसकी जगह आप अपना वक्त बर्बाद करते थे मेरे ऊपर निगरानी रखने के लिए, जैसे मैं कोई चोर हूँ। वक्ता आगे बढ़ता हुआ कहता है कि आपको इंसान के बारे में पता ही नहीं है। आपकी बिल्डिंग्स में लगी हुई लिफ्ट लोगों को अवॉइड करने का अच्छा जरिया है। आप लोगों को इग्नोर करने के लिए कार में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा नहीं करते। आप नहीं चाहते कि लोगों की शक्ल आपको देखनी पड़े, इसलिए आप उनसे टेलीफोन पे ही बातें कर लेते हैं ताकि वो आपके घर तक ना आ पाएं। आई डोंट नो अबाउट यू बट योर स्टूडेंट्स हु नो सिसरो, हाउ मैनी फैमिलीज ऑफ लिविंग मैन डू दे नो इंटीमेटली, हाउ मैनी ऑफ देयर किचन्स हैव दे विजिटेड, हाउ मैनी ऑफ देयर सिक हैव दे सैट विद थ्रू द नाइट, how many of their dead have the bone on their shoulders, how many can they trust when they are in distress, 1,000 motors roar under your windows every day, you have no idea to whom they belong or where they are going। in lineon mein vakta kehta hai ki main aapke bare mein nahi janta, lekin main aapke un vidyarthiyon ke bare mein janta hu jinhe mahan sisro ke bare mein pata hoga, लेकिन उन्हें जीवित परिवारों के बारे में क्या पता होगा? कितने परिवारों की रसोइयों में वो जा चुके हैं, वो घुस चुके हैं। किसी की रसोई में जाने का मतलब है कि आप उस इंसान से बहुत नज़दीकी में हो। तो वक्ता यहाँ पे कटाक्ष करता है कि वो जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है वो भी कितने परिवारों को जानते होंगे, या उनकी कितने अच्छे परिवारों से दोस्ती होगी कि वो उनकी रसोई तक जा पाएं। वक्ता आगे कहता है कि कितने बीमारों को उन्होंने रात भर बैठ के देखभाल की होगी, यानी कि वो किसी के काम आए होंगे। कितने परिवारों में जो मौतें हुई होंगी उन्हें इन लोगों ने कंधा दिया होगा। इन विद्यार्थियों में से कितने ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन पे लोग भरोसा कर सकते होंगे अपने दुख के समय में। वक्ता आगे कहता है कि पूरे दिन में कितनी गाड़ियां आपकी खिड़की के नीचे से गुजर जाती होंगी, आपको पता भी नहीं होगा कि वो कौन है या वो कहां जा रहे हैं। बट आई कैन रीड द साउंड ऑफ माई वैली फॉर माइल्स अराउंड, the sound of the motor in the distance in Nivio going to the station a bit little late, if you like I can tell you everything about hundreds of people, dozens of families and their relatives and personal ties, whenever you speak to a worker you manage to get it all wrong, your choice of words, your tone, your jokes, I can tell what a mountaineer is thinking even when he keeps silent, and I know what's on his mind even when he talks about something else। वक्ता आगे कहता है कि मैं मीलों दूर तक फैली हुई वादी की आवाज़ों को पहचान सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ गाड़ी की आवाज़ सुन के कि वो स्टेशन की तरफ जा रही है जो कुछ लेट हो गई है। अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ कई सौ लोगों के बारे में, दर्जनों फैमिलीज़ के बारे में, आगे उनके भी रिश्तेदारों के बारे में, उनके नातों के बारे में। वक्ता आगे कहता है कि आप जब भी किसी वर्कर से, किसी काम करने वाले व्यक्ति से बात करते हो तो आप उसमें भी गड़बड़ कर देते हो। आपकी शब्दों की चॉइस, आपकी टोन और आपके मजाक, ये सब बताते हैं कि आपको किसी के बारे में कितना पता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई पर्वतारोही
अपने मन में क्या सोच रहा है, चाहे वो कुछ बोल भी ना रहा हो, और मैं तब भी बता सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है जब वो कोई और बात कर रहा हो। This is a sort of culture your poets should have given you. It is a culture of 9/10 of the earth, but no one has yet managed to put it down in words or pictures or films. Be a bit humble at least. Your culture has gaps as wide as ours, perhaps even wider, suddenly more damaging to a teacher in the elementary schools. वक्ता आगे कहता है कि आपके कवियों को ऐसी संस्कृति आपको सिखानी चाहिए थी। ये संस्कृति इस धरती की संस्कृति है, लेकिन आज तक कोई भी इसे शब्दों में या तस्वीरों में या फिल्मों के रूप में चित्रित नहीं कर सका है। वक्ता आगे कहता है कि थोड़ा सा विनम्र बनिए। आपकी संस्कृति में भी वैसी ही दरारें हैं जैसी हमारी संस्कृति में हैं, या शायद उससे भी बड़ी, और ये दरारें एक शिक्षक के लिए और भी खतरनाक है जो एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाता हो। एट द जिमनास्टिक्स एग्जाम द टीचर थ्रू अस अ बॉल एंड सेड प्ले बास्केटबॉल। वी डिडंट नो हाउ द टीचर लुक्ड अस ओवर विद कंटेम्प्ट। माय पुअर चिल्ड्रन, He too is one of you. The ability to handle a conventional ritual seemed so vital to him. He told the principal that we had not been given any physical education and we should take the exams again in the autumn. Gymnastics के इम्तिहान में टीचर हमारी ओर बॉल फेंकते हुए कहता, बास्केटबॉल खेलो। हमें नहीं पता होता था कि इसे कैसे खेलना है। इस बात पे वो शक्ल बनाता हुआ हमें कहता, बेचारे बच्चे, वो भी आप में से कोई एक है, आप जैसा ही अध्यापक जिसे ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में दिक्कत होती थी। वो जाके प्रिंसिपल को बताता कि हमें कोई भी फिजिकल एजुकेशन नहीं दी गई है, इसलिए हमें अगली बार ये एग्जाम, ये इम्तिहान दोबारा देना पड़ेगा। Any one of us could climb an oak tree. Once up there, we could let go with our hands and chop off a 200-pound branch with a hatchet. Then we could drag it through the snow to our mother's doorstep. I heard of a gentleman in Florence who rides upstairs in his house in a lift. But then he has bought himself an expensive gadget and pretends to row in it. You would give him an A in physical education. वक्ता कहता है कि हम में से कोई भी ओक के ट्री पर चढ़ सकता है और एक ही झटके से 200 पाउंड की भारी टहनी को कुल्हाड़ी से काट कर नीचे गिरा सकता है और फिर बर्फ में इसको घसीटते हुए अपनी माँ के पास घर तक ले जा सकता है। वक्ता आगे कहता है कि उसने सुना है कि फ्लोरेंस शहर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लिफ्ट से अपने घर में घुसता है और उसने एक महंगा गैजेट ले लिया है जिसमें वो कश्ती चलाने का नाटक करता है। आप शायद उसे फिजिकल एजुकेशन में ए ग्रेड देंगे।